केवल एक भगवान कृष्ण है। मत्तः परतरम किंचिन नान्यदस्ति धनंजय, गीता 7:7। अहम् कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा, गीता 7:6। ये सारे शास्त्र वेद कह रहे हैं एक ब्रह्म है, फिर ये भी कहते हैं नहीं दो हैं। द्वासुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिकस्व जाते, श्वेताश्चतुरोपनिषद 4:6। ये मंत्र मुंडकोपनिषद में भी है 3:1:1। ये मंत्र नारायणोत्तरोपनिषद में भी है, पहला मंत्र। अर्थात दो है और दोनों एक जगह रहता है हृदय में, और दोनों का साजात्य संबंध, सख्य संबंध, साद्देश्य संबंध, सायुज्य संबंध। फिर ये कहता है वेद नहीं नहीं तीन होते हैं, तीन तत्व है, दो ही नहीं है। सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहंते अस्मिन हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे संयुक्त में तत्क्षरमक्षरं च व्यक्ता व्यक्तं भरते विश्वमीशा ज्ञाग्यौ द्वाबजा भीषणीषा बजा ह्येका भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरक्षरात्माना विशते देव एकः एतज्ज्ञेयम् नित्यमेवात्मसंस्थम नातः परम वेदितव्यम् हि किंचित् द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े, श्वेताश्चतुरोपनिषद 1:6, 1:8, 1:9, 1:10, 1:12। ये सब मंत्र नारद परिव्राजकोपनिषद में भी हैं। ये सब मंत्र कह रहे हैं तीन तत्व होते हैं जी, एक ब्रह्म, एक जीव और एक माया भी होती है। मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम, मायाधीश है भगवान और जीव मायाधीन है। 4:10 श्वेताश्चतुरोपनिषद। आसमान माई सृजते विश्व में तत् तस्मिंश्चान्यो मायया संनिरुद्धा, मायाधीश तो विश्व निर्माता है, विश्व का शासक है, नियामक है, और जीव साच्य है, नियाम्य है, प्रेर्य है। ये तीन तत्व हैं, लेकिन ये विरोध क्यों है? तीन बातें क्यों लिखी हैं? इसलिए लिखी हैं कि हैं तो तीन, लेकिन जीव माया उनकी शक्ति है, तो शक्ति अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख सकती, वो शक्तिमान के अंडर में रहती है। जैसे आग में जलाने की शक्ति है तो वो अलग नहीं की जा सकती आग से, वो आग ही कहलाती है। प्रकाश करने की शक्ति है आग में, वो आग ही कहलाती है।